अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ जुम्बा। अभी मैं गई थी मुलुन गई थी वेलसीसी में, है ना। अभी वहां से मैं आई तो उधर से मेरा 300 ग्राम वजन कम हुआ बराबर। अभी फिर चली फिरी हूँ मैं अच्छे से। तो अभी मैं जा रही हूँ इधर पे जुम्बा में, क्योंकि डॉक्टर ने जिम करने के लिए मुझे मना किया है। हाँ। क्या जिम नहीं करना है तुमको, क्योंकि अभी अंदर ये टाके है, तो टाके अभी ऊपर से तो सूख गए मगर अंदर से तो थोड़ा रहता ही है, और वजन उठाना नहीं है ये वाले हाथ से कुछ भी। तो आसिफ ने बोला मम्मी तुम जुम्बा करो तो वो ठीक रहेगा तुम्हारा, बराबर है ना। हाँ। तो बस अभी मैं आई, वैसे अभी मैं जा रही हूँ जुम्बा। ये 100 रुपए की थैली ली मार्केट से, इसके अंदर अपना जूता रख दूंगी और अपना टिकट की तरह। तो आज मम्मी का पहला दिन है जुम्बा का है ना। हाँ। तो अभी मैं जाती हूँ, और मुझे पतली होना है तो पतली होना तो होना ही है। मैं एक बार दिल में ठान लेती हूँ कि मुझे पतली होना है तो बस मैं हो जाती हूँ, है ना सिम। बराबर। तो चलिए अभी जुम्बा में मिलते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ जिम में जुम्बा करने के लिए। ये हमारे इधर पे ही है, इसका नाम है बॉम्बे फिटनेस। तो यहाँ पर मैं अपना ग्रेस चेंज करके मैं जा रही थी अंदर, जूता वगैरह पहन के। और हमारे जो ये नहीं आए थे अभी तक का, मैं बैठी थी, जो हमारे जुम्बा के जो सिखाने वाले रहते ना, ट्रेनर नहीं आए थे, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। और आज मेरा पहला दिन था और जुम्बा का भी पहला ही दिन था, तो ज़्यादा कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेली थी और 2 जन और थे। हाँ। है ना, तो उन लोग भी सीखने के लिए आए थे, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा जुम्बा करके। जुम्बा करने से पूरी बॉडी अच्छी एकदम रिलैक्स भी हुई, मुझे थोड़ा ऐसा भी नहीं लगा। और डांस कर करके जुम्बा करना बोले तो मुझे और मज़ा आ रहा था, है ना सिर्फ, बहुत मज़ा आ रहा था। और करना चाहिए जुम्बा वगैरह, करना चाहिए, जिम वगैरह भी जाना चाहिए। Thank you.
चले गाइस क्या बोला दादी तू? तो कैसा लगा जुम्बा करके? अच्छा लगा जुम्बा करके, फर्स्ट टाइम की मैंने। हाँ। और थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रही थी सेटल होने की। और दूसरी बात, पहली बार जुम्बा की हूँ, मुझे जुम्बा कैसा किया जाता है कुछ भी मालूम नहीं है, है ना? हाँ। तो फर्स्ट टाइम की मैंने, और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, जैसे कि डांस करने के जैसा लग रहा था। हाँ। है ना, अभी जिम नहीं कर सकती हूँ और बाकी और जिम वो सब नहीं, वर्कआउट नहीं कर सकते, वर्कआउट नहीं कर सकती, तो इसके लिए जुम्बा ज्वाइन की। जुम्बा में कोई टेंशन नहीं है, बस अपना डांस करते रहना है। डांस करने में तो अपन एक्सपर्ट एकदम, है ना? हम मम्मी एकदम बराबर कर रहे थे, मैं आके बीच बीच में जिम भी कर रहा था और आके देख रहा भी था कि मम्मी कैसा कर रहे कैसा नहीं कर रहे। एकदम वो जैसा आगे सर कर रहे थे वैसा ही सेम टू सेम मम्मी भी कर रहे थे। तो मतलब मैं डांस करती हूँ। हाँ, तो डांस करते ना, मम्मी रील्स वील्स बनाते। हाँ, पहले से मम्मी डांस करते, मतलब मम्मी को आदत है, आदत है, तो मेरे को जल्दी मैं कैचअप कर लूंगी। हाँ। वो जुम्बा को ना मैं जल्दी कैचअप कर लेंगे। और जुम्बा के साथ में उधर पे उन लोग एक्सरसाइज भी सिखाएंगे, फ्लोरिंग एक्सरसाइज भी सिखाएंगे, जिससे टम्मी वगैरह कम हो, टाइट वगैरह कम हो। और जुम्बा करने से अपना जो है ना वेट भी कम होता है, होएगा उन्होंने बोले, और थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहेगा। हाँ, मतलब हेल्थ के साथ माइंड भी सब फ्रेश रहेगा, फ्रेश रहेगा जुम्बा करने से। और जैसे कि हम लेडीज लोग घर के दिन भर के काम में इतने बिजी रहते, लाइफ में या जिंदगी में कुछ अलग होना चाहिए। तो कुछ अलग के लिए क्या करें, तो इसीलिए जुम्बा भी हम कर हम ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक घंटे का तो जुम्बा रहता है, तो एक घंटे में हम अपना माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। मेरे को फ्रेशपन लगा, जैसे कि मैं जुम्बा करी तो थोड़ा मेरे को ऐसा गाने बीने पे डांस भी करी तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब हर चीज से हटके कुछ लगा मुझे। हाँ। है ना, तो मुझे मजा आ गया और बहुत ही बेस्ट था जुम्बा। तो अगर आप लोग भी अगर एक हाउस वाइफ हो तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, जुम्बा ज्वाइन कीजिए ना। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे हाथ में नस की तकलीफ है, मेरे पाँव की हड्डी बढ़ गई है ना, तो ऐसी मुझे मेरे पेट के भी काफ़ी ऑपरेशन हो गए, तो मुझे बहुत सारी तकलीफ है। मुझे दिमाग की तकलीफ है, दिमाग की क्या थी, साइकेट्रिस्ट। हाँ, उसकी भी दवा, डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ बहुत जल्दी मैं, तो ये सब चीज़ों की मेरी दवा, ये सब मेरे को तकलीफें है। अल्लाह ताला मेरी को ये सारी तकलीफों से बाहर निकाले। आमीन, आमीन। अभी मैं आप लोगों को कैमरे पे बहुत खुश दिखती हूँ, आप लोगों को ऐसा लगता है आप लोग अपन की जिंदगी कितनी अच्छी है, कितने खुश है, है ना। मैं रील्स खुशी खुशी बनाती हूँ, डांस करती हूँ, सब करती हूँ, अल्लाह ताला के कदम से मेरे पास सब कुछ अच्छा है। मगर बोलते ना, ऊपर वाला अगर सारी चीजें अगर एक ही इंसान को सब कुछ दे देगा तो फिर वो अल्लाह को कैसे याद करेगी, है ना? बराबर। अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिए, मगर मुझे थोड़ी तकलीफ भी है, इसलिए वो तकलीफ में मैं हमेशा अल्लाह ताला को याद करती रहती हूँ। अगर अल्लाह ताला ये तकलीफ नहीं देगे तो क्या पता इंसान ऐसा है कि इंसान अल्लाह ताला को ही भूल जाएंगे, है ना लाला? सही बात। इसीलिए अल्लाह ने किसी ना किसी को सब कुछ देने के बाद में भी उसके पास कोई ना कोई चीज को रखा ही है, क्या उससे वो तकलीफ हो और वो हमें याद करे। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला मुझे तकलीफ दी है, तो मैं उस तकलीफ में हमेशा अल्लाह को याद करती हूँ, है ना फिर? बराबर। तो चलिए गाइस, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप लोग भी जुम्बा ज्वाइन कीजिए, जिम जाइए, अपनी लाइफ में कुछ अलग कीजिए, कुछ अच्छा लगता है ना। जिंदगी चार दिन की है, आज का दिन देखे कल का दिन हम देखेंगे क्या नहीं देखेंगे कोई भरोसा नहीं है। बराबर। इसीलिए एक एक पल को खुशी खुशी जियो, आप भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने का मौका दो, है ना। और बस हंसते मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करते रहना हमेशा। और चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों से अलविदा कहना चाहती हूँ। कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, अभी दूसरे ब्लॉग आप लोग कंटिन्यू देखते रहना। कैसा लग रहा आप लोगों को हमारा ब्लॉग, और आप लोगों ने कैसा लगा मैंने जो फर्नीचर सामान खरीदने के लिए गई, है ना। अब बहुत लोग सोच रहे कि क्या है अफरोज़ापा के घर में सरप्राइज, तो सरप्राइज आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है करके, बराबर, है ना। तो अभी आहिस्ते 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 सब काम होते रहेगा, तो आहिस्ते आहिस्ते आप लोगों तक का सब मैसेज पहुंचते भी रहेगा, बराबर।
तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना।